नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जी नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा के जो रामेश्वर सिंह और रामू भैया जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगरा में 9 विधानसभा सीटों पर अपनी सीट लेकर के आई है और जो समाजवादी पार्टी ने खोखले वादे किए वो जनता ने आज पुनः सब कुछ दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर बाबा की सरकार बन चुकी है। अब हम पूछते हैं नेताजी के जनता को और नेताओं को कितनी खुशी की लहर है। नेताजी सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जी नेताजी, जो बिल्डोजर बाबा की सरकार बनी है इससे आप कितने खुश हैं फिलहाल में? देखिए मैं तो खुश बहुत काफ़ी समय से हूँ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ने जी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जी पुनः लाई। जी उत्तर प्रदेश में जनता ने आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का जो नाम दिया है बुलडोजर बाबा जी, वो बुलडोजर बाबा इसलिए नाम दिया है, उन्हें यह मालूम है कि हमारे समय पर मदद करने वाले योगी जी हैं, जो मानव प्रकृति के लोग हैं जी, उनके अंदर मानवता है जी, उन्हें सम्मान दिया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार रही है, तो आपको कैसा लग रहा है इस साल में कि हमारे जो आगरा में 9 विधायक बनी है भारतीय जनता पार्टी के, क्या लग रहा है कि बेबी रानी मौर्या जी के बारे में कि वो बता रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बन सकती हैं, क्या कुछ जानकारी दे सकते हो जी इस बारे में? ये हमारे हाथ में तो डिपेंड नहीं है जी। जी यह शीर्ष नेतृत्व के हाथ में डिपेंड होता है, प्रदेश के लेवल पे भी नहीं है ये जी, सेंट्रल लेवल पे है जी। गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सम्मान रखा जाएगा, चाहे एससी हो, बीसी हो, जनरल हो जी जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है जी। उत्तर प्रदेश में जो खनन माफिया, भू माफिया, दारू माफिया, पूर्व की सरकार में इन लोगों को संरक्षण दिया जाता था जी जी, लेकिन जनता ने इनको पूर्ण बहुमत से इसलिए लाया है कि योगी जी, जी एक अच्छी छवि के नेता हैं जी जी। ये मेरे लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए जी जी जी, आपको पता तो हुआ ही जी, भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्या जी थे जी जी, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे जी, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में। स्वामी उनकी तो हार हो गई ना, वो गए थे समाजवादी। देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सब कुछ समझ चुकी है जी। उत्तर प्रदेश में जिस समय वो पार्टी कार्यालय, सपा के पार्टी कार्यालय में गए थे जी, उन्होंने एक नारा दिया था कि यह चुनाव 85-15 का होगा जी, 85 तो हमारा है ही है, 15 में बंटवारा होगा जी, लेकिन जो आदमी अपनी विधानसभा की विधायकी की सीट नहीं निकाल सकता जी जी, बहुत लोग 85% जनसंख्या की बात करते हैं जी जी जी, तो जनता सब कुछ समझ चुकी है जी, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी हो जी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो जी, कोई भी हो उससे क्या मतलब है। देखो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो लोग सिपाही के तरीके से काम करता है जी जी, ये ना समझे कि सत्ता की दूध मलाई खाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्या जी आए थे, ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैं सुपड़ा साफ कर दूंगा जी, इस तरीके से बौखला रहे थे। तो हम सबको ही गलत लग रहा था, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं ठाकुर समाज से हूँ, तो उन्होंने एक दो टिप्पणी की थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जी जी जी, प्रदेश में तो छोड़िए, क्योंकि मान लीजिए कोई भी हो हमको जाति समाज से नहीं विकास हो सकता जी,
पूरे प्रदेश का जाति समाज से विकास नहीं हो सकता। जी जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जी, जो लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के चलते हैं, तो हर गांव में एक लोग की आवाज थी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाई जा रही है आगामी मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी के लिए। यहाँ पर आज देखिए आगरा ग्रामीण विधानसभा 90 पर हम रामेश्वर सिंह और रामू भैया के आवास पर मौजूद हैं। आज हमने रामेश्वर सिंह तोमर साहब से कुछ खास मुलाकात में कुछ खास चर्चाएं की। नेताजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन चुकी है। बाबा सदन में भी कोई कितना भी कुछ शक्तियां करे, लेकिन बाबा के अंदर एक इतना वो एक संत हैं कि वो इतना विकास कराएंगे कि जनता के जो खुशी की लहर है, जितनी जीत दिखाई है, बाबा अपना खून पसीना करने में एक होंगे। बाबा कोई वो तो एक संत हैं, यानी ये जो योगी जी हैं बुलडोजर बाबा हैं। और मुख्य बात ये है कि यहाँ पर आगरा में भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, जो कि आगरा में 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अच्छी एक जीत हासिल की है, उसकी हमारे रामेश्वर सिंह नेताजी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बधाई दी है। इस वक्त के लिए आज ही, अब इसके बाद तो हमारी ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी भोला भैया के साथ हरिओम शास्त्री, एसटीवी न्यूज। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसटीवी न्यूज को। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें।